सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमडीसी को चलाने के लिए 9 रुकनी एडहॉक काउंसिल कायम कर दी। एडहॉक काउंसिल के सरबराही जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान करेंगे। मेंबरान में अटॉर्नी जनरल, सर्जन जनरल ऑफिस पाकिस्तान, वाइस चांसलर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल हैं। पाकिस्तानी कौम कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में कोरोना से 1765 अफराद सेहतियाब हो चुके। अफजाबाद में 4 और मर्दान में तबलीगी जमात के 50 गैर मुल्की सेहतमंद हो गए। लाहौर में 43 अफराद को कोरोना का शिकार करने वाला मरीज सेहतियाब। मुल्तान इश्तर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर साजिद अख्तर ने भी कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना से मजीद 11 अफवाद, तादाद 135 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 7025 हो गई। सिंध में आज दिन 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। मुराद अली शाह का ऐलान। वजीर आला की दरख्वास्त पर उल्मा ने भी मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला कहते हैं मस्जिद में सिर्फ मुतय्यन लोग ही नमाज अदा करेंगे। पंजाब में भी आज नमाज जुमा के इज्तिमा के हवाले से अहकामात बरकरार। चीन कोरोना को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने ने बयान में कहा कि चीनी कंपनियां कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। चीनी रेलवे ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की तरफ से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल मास्क मुहैया किए गए। पाकिस्तान को हर तरह के एहतियात फराहम करते रहेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पाकिस्तान का साथ देने पर पाकिस्तानी सफीर नगमाना हाशमी का चीनी अवाम का शुक्रिया। कहा कि चीनी अवाम ने पाकिस्तानी सफारतखाने की अपील का दिल खोल कर जवाब दिया। चीनी हुकूमत और अवाम समेत कंपनीज ने तिबी सामान की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और दोस्ती को मजीद तकवीत मिलेगी। कराची में 6 माह में कितनी अमवात हुई, 24 न्यूज सच्चाई सामने ले आया। 6 माह में अब तक 13,993 अफराद को 31 मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया गया। केएमसी के मुताबिक रवा हमास सबसे कम 766 अफराद को दफनाया गया।